अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक ज़रूरी बात जो मैं आपसे जो है करना चाहता हूँ, आप लोगों से, कि बराए मेहरबानी वो लोग, वो दोस्त हमारे जो शादी के मामले में बिल्कुल सीरियस हों, वही हमसे रब्ता किया करें। इसके अलावा जो है अक्सर लोग जो है हमें मजाक में या अपना टाइम वेस्ट जो है टाइम पास करने के लिए अपना मोबाइल नंबर जो है नीचे लिख देते हैं, तो बड़ा मेहरबानी ऐसा ना किया करें, ना अपना टाइम ज़ाया करें, ना हमारा टाइम वेस्ट करें। तो अब चलते हैं आज के रिश्ते की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो रिश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो खातून है हमारी बहन, इनका नाम है नाहिद बीबी। नाहिद जो है इनकी उम्र जो है इस वक्त ये 39 साल है, 39 ईयर्स। और शौहर जो है इनके, उन्होंने इनको छोड़ दिया है, यानी कि तलाक दे दी है। तो इसकी असल वजह जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये एक बांझ खातून है, इसलिए इनके शौहर ने इनको छोड़ दिया है और ख़ुद दूसरी शादी कर ली है। इनके यानी कि बच्चे नहीं हुए थे। इनकी शादी जो है तकरीबन 9 साढ़े 9 साल जो है चली, लेकिन बच्चे नहीं हुए, इसलिए इनके शौहर ने इनको छोड़ दिया और ख़ुद दूसरी शादी कर ली। नाहिद जो है इनकी तालीम BA है, यानी कि 14 जमात पास हैं, अच्छे घराने से हैं, मुसलमान हैं, फिरका सुन्नी है। कुछ अर्से पहले जो है ये एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करती थी, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल को जॉब वगैरह नहीं करती, घर में ही रहती हैं। तो नाहिद जो है इस वक्त रावलपिंडी सिटी में रहती हैं, अपने जो है वालदैन के घर पे। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जिनकी उम्र जो है वो 50 साल तक भी हो, और वो चाहते हों पहली या दूसरी या तीसरी भी शादी करना, तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो है आप अच्छी तरह जो है मैं आपको बता दूं कि इनके बच्चे नहीं हुए थे, इसीलिए इनके शौहर ने इनको छोड़ दिया था। तो जो हमारे दोस्त रब्ता करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए हमसे, वो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमसे रब्ता करने के लिए बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।